ज़िला इंतजामिया की डेंगी लार्वा के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ 24 घंटों में 1792 मुकामात से डेंगी लार्वा बरामद। खिलाफ वर्जी पर 96 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं। डेंगी लार्वा के खात्मे के लिए ज़िला इंतजामिया मुतहरक नज़र आ रही है और 1792 मुकामात की चेकिंग की गई है। ये मनाजर भी आप देख सकते हैं कि मुतल्लिका एसिस की जानिब से एक्शन लिया जा रहा है और मुख्तलिफ जगहों पर खड़े पानी का मुआयना किया जा रहा है और लार्वे की बरामदी के हवाले से चेकिंग की जा रही है और लोगों को आगाही भी दी जा रही है कि अपने घरों में पानी खड़ा मत होने दें, क्योंकि डेंगी की अफजाइश का यह सीज़न है और बारिशों के बाद डेंगी की अफजाइश में इजाफा होता है। इस हवाले से ज़िलाई इंतज़ामिया अपना काम कर रही है और आवाम को भी चाहिए कि वो अपना काम करें। मंकी पॉक्स की रोकथाम के लिए इकदामात जारी। पंजाब की हदूद में कायम 6 एयरपोर्ट्स पर मुश्तबा मुसाफिरों के लिए करंतना सेंटर्स बनाने का फैसला। WHO के मंजूरशुदा प्रोटोकॉल्स के मुताबिक करंतना सेंटर्स के लिए जगह मुख्तस की जा रही है। मोहम्मद बिलाल से मजीद जानते हैं, बताइए बिलाल। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में मंकी पॉक्स की रोकथाम के हवाले से लाहौर एयरपोर्ट्स पर जो मुमकिन तबी इकदाम हैं ये किए जा रहे हैं। इस हवाले से सूबाई वज़रा सेहत ख्वाजा सलमान रफीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर और सरबरा टेक्निकल ग्रुप प्रोफेसर जवेद अकरम के हवाले से जो अमली इकदाम हैं इनका जायज़ा लेकर जो इकदाम हैं ये किए जा रहे हैं। जबकि लाहौर समेत पंजाब की जो 6 एयरपोर्ट्स की जो हदूद हैं यहाँ पर मुशतबा मरीजों के लिए जो करंटीना सेंटर्स हैं ये बनाए जाएंगे और जो भी मुशतबा मंकी पॉक्स का मरीज़ जो एयरपोर्ट पर आएगा वहाँ पर उनको करंटीना सेंटर्स में उनका जो इलाज मुआवजा है वो किया जाएगा, वहीं पर जो पेशेंट्स हैं उनको रखा जाएगा। जबकि इसके साथ साथ जो शहर के बड़े हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पर भी मंकी पॉक्स के हवाले से जो करंटीना सेंटर्स हैं ये बनाए जा रहे हैं। इस हवाले से जो सूबाई सबका सूबाई वज़ीर सेहत हैं प्रोफेसर जवेद अकरम, जो कि इस वक्त सरबरा टेक्निकल ग्रुप है मंकी पॉक्स के हवाले से, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि इस हवाले से एयरपोर्ट्स पर जो महकमा सेहत का जो अमला है जिसमें डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, इनकी ट्रेनिंग भी करवाई जा रही है और इस हवाले से जो वहाँ पर डिप्यूट अमला किया जाएगा वो मुकम्मल तौर पर प्रोफेशनल और ट्रेंड होगा। जबकि इस हवाले से वैक्सीन भी मौजूद है, जो भी मुशतबा जो मरीज़ होगा उसको ट्रीटमेंट देने के बाद वैक्सीनेशन भी की जाएगी। जबकि एयरपोर्ट्स के जो हुकाम हैं इनकी जो वैक्सीनेशन का अमल है ये भी मुकम्मल किया जा रहा है ताकि लाहौर समेत पंजाब भर को मंकी फ्री बनाया जा सके। जी शुक्रिया बिलाल। वादत कॉलोनी में कायम मॉडल बाज़ार में ख़रीदारों का रश, शहरियों का मॉडल बाज़ारों में महंगी अशिया का शिकवा। इंतज़ामिया से सहूलियात बेहतर करने का मुतालबा किया है। इंतज़ामिया की जानिब से सहूलियात बेहतर करने का मुतालबा किया है। मॉडल बाज़ारों में भी महंगाई है और इस हवाले से शहरियों की जानिब से यह शिकवा किया गया है कि इस वक्त चीज़ें यहाँ भी महंगी मिल रही हैं और इन चीज़ों को सस्ता किया जाए, और शहरियों ने यह भी कहा है कि इंतज़ामिया सहूलियात को बेहतर करे। वादत कॉलोनी में कायम मॉडल बाज़ार में ख़रीदारों का रश है, जबकि दूसरी जानिब इंतज़ामिया से सहूलियात बेहतर करने का मुतालबा किया है। मोहम्मद उसामा से मज़ीद जानते हैं, बताइए उसामा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं वहदत कॉलोनी के मॉडल बाज़ार में मौजूद हूँ। ये मॉडल बाज़ार पंजाब मॉडल बाज़ार मैनेजमेंट के तहत चलाए जाते हैं और इनका मकसद ये है कि शहरियों को रिलीफ फराहम किया जाए। ओपन मार्केट के मुकाबले में यहाँ पर चीज़ें कदरें सस्ती फराहम की जाती हैं और तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर मौजूद होती हैं। बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें, खाने पीने की अशिया, दालें, चिकन, अंडे, सब्ज़ियाँ, सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद होती हैं। और आज इतवार का दिन है, यहाँ पर काफ़ी रश लगा हुआ है, ख़रीदारों का यहाँ पर रश देखा जा रहा है। फैमिलीज़ यहाँ पर आई हुई हैं जो कि यहाँ से ख़रीदारी कर रही हैं। इस वक्त भी एक ख़रीदार मेरे साथ मौजूद हैं, एक शहरी मौजूद हैं, इस हवाले से उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा, आप यहाँ पर मॉडल बाज़ार में पहुँचे, क्या समझते हैं कुछ सहूलियात यहाँ पर हैं ओपन मार्केट के मुकाबले में, कुछ चीज़ें सस्ती हैं भी या नहीं? ओपन मार्केट में जो है ना और इतवार में जो फ़र्क है वो सिर्फ 2-4 रुपये का ही है, और अगर कोई फ़र्क है तो उसमें क्वालिटी का भी फ़र्क आ जाता है। कुछ चीज़ें यानी कि सस्ती भी मिलती हैं, ये नहीं कि हर चीज़ महंगी है, लेकिन काफ़ी फ़र्क भी है, लेकिन जो ज़्यादा जो फ़र्क है ना वो क्वालिटी का फ़र्क आ जाता है और इतना फ़र्क नहीं है। तो ओवरऑल सहूलियात यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि शहरियों को जो यहाँ पर ख़रीदारी करने आते हैं उनको कितनी कितनी कीमत में चीज़ें सस्ती मिलती हैं? ओवरऑल जो है ना तकरीबन 2-4 रुपये का फ़र्क है, ज़्यादा नहीं है। तो ये है कि कुछ चीज़ें हैं जिसमें प्याज वगैरह हो गए, आलू वगैरह हो गए, उसमें ज़्यादा फ़र्क होता है, क्योंकि बाहर जो है मार्केट में जो है वो थोड़ा सा महंगा होता है, यहाँ पे सहूलत है।
जी बिल्कुल, इस हवाले से ख़रीदारों का मिला जुला रद्द अमल है और ख़रीदार ये कहते हैं कि अगर यहाँ से बाहर की नस्बत कोई चीज़ सस्ती मिलती है तो उसमें क्वालिटी का लाजमी फ़र्क होता है, यानी वो चीज़ जो बाहर थोड़ी महंगी मिलती है लेकिन उसकी क्वालिटी बेहतर होती है, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें कदर सस्ती दस्तियाब हैं उस हवाले से उनकी क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। और इसलिए शहरियों का यही मुतालबा है पंजाब मॉडल बाज़ार मैनेजमेंट की इंतज़ामिया से कि यहाँ पर तमाम चीज़ें जो हैं वो रिलीफ दिया जाए, उनको सस्ता फ्राहम किया जाए और इसी के साथ साथ उनकी क्वालिटी भी बेहतर बनाई जाए। जी आपका शुक्रिया उसामा। छुट्टी के रोज़ बच्चों का वालदैन के हमरा चिड़ियाघर का रुख, किसी ने शेर देखा तो कोई ज़ेबरा देखकर महसूस हुआ, आइसक्रीम खाई तो किसी ने गोल गप्पों पर हाथ साफ किए। सामा सईद से मज़ीद जानते हैं। बिल्कुल, आज छुट्टी का रोज़ है, लाहौरिये घरों से बाहर निकलना शुरू हो गए और लाहौर चिड़ियाघर में जो है वो खूब गहमा गहमी है। बच्चे अपने छुट्टी के दिन से जो है वो खूब लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। लाहौर चिड़ियाघर में खूब हल्ला गुल्ला जो है वो जारी है और बच्चे अपने पसंदीदा जानवर भी देख रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं क्योंकि छुट्टी का दिन तो होता ही बच्चों का है। जी आप बताएं कितना मज़ा आ रहा है यहाँ पर? बहुत ज़्यादा। और कौन कौन से जानवर देखे हैं? पैरट, एलिफेंट और जी बिल्कुल, बच्चों को जो है वो यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा है। आप बताएं कितना एंजॉय कर रही हैं यहाँ पर, कौन कौन से जानवर देख लिए अभी तक? अभी तक तो एलिफेंट देखा है, मंकी, पैरट, लाइन, टाइगर। अच्छा, और कितना मज़ा आ रहा है यहाँ पर? बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, बच्चे जो है वो खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं यहाँ पर। और आप बताएं क्या क्या देखा है अभी तक, कितना एंजॉय कर रहे हैं? बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आज पापा हमें लाहौर ज़ू में लेके आए हैं और हमने बहुत से जानवर देखे, लाइन देखा, टाइगर, पैरट और मंकी भी, बहुत ज़्यादा हम जानवर देखे और हमें बहुत मज़ा आ रहा है। जी बिल्कुल, बच्चे जो हैं वो खूब इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाज़ बच्चे तो शर्मा रहे हैं, बोल नहीं रहे, लेकिन बाज़ बच्चे कह रहे हैं कि हमने खूब इंजॉय किया है, बहुत मज़ा आ रहा है। वालिदैन भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी बताएं, आज छुट्टी का दिन है, क्या बच्चों ने ज़िद की थी कि लाहौर चिड़ियाघर आने? जी ऑब्वियसली संडे तो होता ही बच्चों के लिए, फैमिली के लिए होता है। हम ऑफिशियल पर्सनस तो पूरा वीक जो है वो ड्यूटी और मुख्तलिफ काम होते हैं, बच्चे भी स्टडी, स्कूल, और बस उनका यही प्लान होता है कि किसी तरीके से जो है ना संडे जो है ना वो बाहर आउटसाइड प्लान किया जाए। और हमने आज ब्रेकफास्ट भी जो है बाहर ही किया है और उसके साथ ही बच्चों ने वहाँ बैठे कहा कि जी बाबा जू गार्डन जाना है। आज बिल्कुल, यहाँ पर जो है वो बच्चे तो इंजॉय कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ वालिदैन भी जो है वो खूब इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वालिदैन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आज छुट्टी का दिन है तो छुट्टी का दिन तो होता ही बच्चों के लिए है, तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि बच्चों की एक कसीर तादाद जो है वो लाहौर चिड़ियाघर में खूब इंजॉय करती हुई दिखाई दे रही है और अपने छुट्टी के दिन को जो है वो यादगार बना रही है। जी शुक्रिया सामिया। लेस्को बिलाल कानूनी सब डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई, 30 मुकामात से बिजली चोरी पकड़ी गई, तमाम कनेक्शन मुनक़ता, बिजली चोरों के खिलाफ 30 मुकदमा दर्ज, सार्फिन डायरेक्टर सप्लाई लगाकर मीटर टेम्परिंग करके बिजली चोरी कर रहे थे। फहद अमीन से मजीद जानते हैं। फहद बताइए इस बारे, फहद से इस बारे अपडेट लेंगे। ये मनाजर भी आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट सप्लाई लगाकर बिजली चोरी की जा रही थी। लेस्को बिलाल कलोनी सब डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई की गई है, 30 मुकामात से बिजली चोरी पकड़ी गई है, तमाम कनेक्शन मुनक़ता, बिजली चोरों के खिलाफ 30 मुकदमात दर्ज किए गए हैं।